आज से ठीक 9 वर्ष पूर्व झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाले हेमलाल मुर्मू, जिन्होंने 9 वर्ष तक भाजपा के पार्टी के झंडे के नीचे कई चुनावें लड़ने के बाद उन्हें हार का सामना करना पड़ा, आज पुनः भाजपा को छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम रहे हैं। पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू आखिर क्यों भाजपा छोड़ रहे हैं और पुनः अपना पुराना घर झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी हो रहे हैं, आइए हम इनसे जानते हैं कि आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा में क्यों पुनः प्रवेश हो रहे हैं और भाजपा को क्यों छोड़ रहे हैं। 9 साल के बाद ने 9वां साल चल रहा है और घर पुनर्वापसी कर रहे हैं, लगता तो बहुत अच्छा है। आखिर क्यों मोह भंग हुआ आजकल? देखिए, मोह भंग करने का कोई सवाल नहीं है। देखिए, ये लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था है और इस व्यवस्था में बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, ये आना जाना का जो क्रम है होते रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। सवाल इस बात का है कि विचारधारा और लोग उस विचारधारा में कितना दूर तक हम फिट बैठते हैं, इन सवालों को लेकर के अनेक बार उतार चढ़ाव और मंथन होते रहता है। ऐसे समय में हमको लगा कि इस क्षेत्र में बसने वाले लोगों का भलाई और उनके भावना तक पहुंचने के लिए जरिया झारखंड मुक्ति मोर्चा है, ना कि बीजेपी है। लेकिन आप बीजेपी के साथ जितने भी रहे बहुत मजबूती के साथ रहे, फिर आखिर तरजीह दे रही थी आपने जेएमएम को? तरजीह देने का सवाल नहीं है, आदमी इतना दिन तक रहा तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकलाप और उनके विचार सिद्धांत इन तमाम बातों को अध्ययन करने में तो लगा है। हमने बहुत ईमानदारी और निष्ठा से वहाँ भी काम किया, लेकिन हमको नहीं लगा कि हमारा जो एक उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति हो सकता है। कोई चुनाव लड़ने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जिस उद्देश्य से दबे कुचले लोगों तक, उनके चौखट तक, उनके भावनाओं तक छूने का काम वहाँ पर नहीं हो सकेगा, यही है सवाल। आप तो बहुत दिन तक जेएमएम में रहे, आप पार्टी को बहुत मजबूती दी, फिर क्या रणनीति होगी कि और पार्टी मजबूत हो? अब तो वो आने के बाद सब कुछ हम लोग बात करेंगे, मिल बैठ के बात करने के बाद फिर रणनीति तय होगी, उसके बाद ही इसमें बताया जाएगा।